राजनीति में सबसे पहले राहुल के गढ़ अमेठी में संघ के प्लान पर बात। 2014 में चुनाव में अमेठी से स्मृति की हार के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऐसा अचूक प्लान बनाया जिसका लक्ष्य राहुल को उसी के घर में घेर कर मात देना है। इसके लिए उन्होंने 2014 से ही अपनी सक्रियता के साथ राजनीति यहां तेज कर दी। अमेठी में अब संघ की 250 शाखाएं संचालित हो रही हैं, जहां लोगों को जोड़कर उन्हें व्यापक रणनीति सिखाई जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक संघ कार्यकर्ता प्रचार प्रसार और विरोधियों की दुखती रग पर हाथ डाल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो आरएसएस खुद को गैर राजनीतिक संगठन कहता है, लेकिन नए भारत में खुद को नए तरीके से पेश कर रहा है जिसके तौर तरीके सियासी पार्टियों जैसे ही हैं। राहुल के गढ़ अमेठी में स्मृति के साथ संघ फतेह के लिए आरएसएस ने बनाया अचूक प्लान। लोगों को जोड़ने के लिए 250 शाखाएं हो रही संचालित। शाखा में शामिल लोगों को सिखाई जा रही रणनीति। अमेठी को दो हिस्सों में बांटकर तय किया लक्ष्य। ये आरएसएस का नया प्लान है। स्मृति का साथ देने के लिए राहुल को उसी के गढ़ में घेरने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये अचूक प्लान है। बीजेपी की स्मृति की स्थिति को और मजबूत करने के लिए अमेठी संसदीय क्षेत्र को संघ ने दो जिलों जगदीशपुर और अमेठी में बांटा है। 47 मंडल और 7 खंडों में बांटा है, जिसमें वो 250 शाखाएं आयोजित कर रही है। मकसद सिर्फ इतना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुद के साथ जोड़ा जाए और राजनीति की रणनीति के महासागर में तैरना सिखाया जाए, जिसकी बदौलत वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके समर्थकों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर सके। संघ हमारा 2014 से निरंतर अमेठी में अपनी जड़ों को मजबूत करता चला रहा है। हमारे जनपद में लगभग 250 शाखाएं जो है अमेठी और जगदीशपुर जिले को मिला के लग रही हैं। ग्रामीण स्तर पे हमारा प्रत्येक ग्राम सभाओं में हमारी शाखाएं संचालित हो रही हैं और आज की स्थिति यह है कि संघ बहुत ही मजबूती से अमेठी और जगदीशपुर जनपद दोनों जनपदों में काम कर रहा है। आज की स्थिति यह है कि संघ प्रत्येक गांव में अपने स्वयंसेवकों को बना चुका है और प्रत्येक ग्राम सभा पे हमारी शाखाएं संचालित हो रही हैं। अमेठी जनपद में 47 मंडल बनाए गए हैं और जगदीशपुर में 51 मंडल हमारे बनाए गए हैं। प्रत्येक मंडलों में शाखाएं संचालित हो रही हैं। जमीनी स्तर पर हमारे स्वयंसेवक बिल्कुल तैयार हैं जो शाखाओं में जाते हैं और आज की स्थिति यह है कि संघ बहुत मजबूती से 2019 की तैयारी में लगा हुआ। संघ 5 सालों से अमेठी में मेहनत कर रहा है। गांव-गांव तक पहुंचने के सिलसिले को बढ़ावा दिया गया। सियासी गलियारों से आई खबरों की माने तो 2014 के चुनाव के बाद अमेठी में आरएसएस ने जमीनी स्तर पर स्मृति के लिए बहुत कुछ किया है। संघ के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ा है, जिस वजह से संघ से लेकर बीजेपी समर्थकों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। वो मानकर चल रहे हैं कि राहुल गांधी की नीति इस बार अमेठी में फेल हो जाएगी और स्मृति ईरानी इस बार जरूर चुनाव जीतेंगी। 2014 के चुनाव के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जमीनी स्तर पर बहुत लंबा काम किया है स्मृति दीदी के लिए, और जैसे भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक की थी वैसे ही अब की संघ के स्वयंसेवक सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ा है राष्ट्रवाद से और उसकी भावनाओं से ओतप्रोत लोगों को निकाला है और जो निचले तबके के लोग हैं उनको संघ से जोड़कर और संघ की नीतियों को बताया है कि राष्ट्र का उत्थान कैसे होगा। इस वजह से अब की दीदी स्मृति ईरानी चुनाव जीतेंगी, भारी अंतर से चुनाव जीतेंगी। राहुल गांधी की नीति इस बार अमेठी में फेल हो जाएगी, वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। भले ही आरएसएस से लेकर बीजेपी समर्थकों को खुद पर भरोसा हो, अमेठी की जनता स्मृति पर भरोसा करेगी, लेकिन कांग्रेस को ये हवा हवा ही दिखती है। देखिए, मैं अमेठी की जो बात करते हैं, ये आरएसएस के लोग चाहे जितना गांव में घूम लें, चाहे जितना संगठन बना लें, लेकिन अमेठी का हर युवा, किसान, महिलाएं, सब लोग अच्छी तरीके से इनकी झांसेबाजी को, उनकी झूठी बातों को जान चुके हैं। खासतौर से युवा नौजवान, वो पूरी तरीके से जो इनके 2 करोड़ का रोजगार का वादा था उसकी समझ में आ गया है। इनके इस आरएसएस के झांसे में ना अमेठी की 2019
अभी तक के हुए जितने भी लोकसभा चुनाव हैं इसमें सबसे अच्छा होगा, सबसे बेहतर होगा। राहुल जी देश में सबसे ज्यादा मतों से जीतेंगे और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यहां की जनता में आज भी जो प्रेम, जो भाव और जो विश्वास गांधी परिवार के प्रति है, कांग्रेस पार्टी के प्रति है, वो इनके झूठी वादों में आने वाले नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सपने में राहुल की जीत के साथ प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदें भी हैं, लेकिन उम्मीदें तभी पूरी होती हैं जब उसमें मेहनत और अचूक रणनीति का मिश्रण हो, सामंजस्य हो, जो कि फिलहाल बीजेपी में दिखती है, और उसकी आरएसएस का हाथ है जो धीरे धीरे अमेठी में फैलता ही जा रहा है। अखिलेश सोनी, अमेठी, समाचार प्लस।